महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए उन चार फैसलों को बहाल कर दिया है जिन्हें 2015 से 2019 में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने शुरू किया था और 2019 के बाद उद्धव के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने रद्द किया था। एकनाथ शिंदे ने उद्धव सरकार के जिन चार फैसलों को बदला है उनमें APMC मंडियों में किसानों के वोटिंग अधिकार को बहाल करना, इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद लोगों को पेंशन फिर से शुरू करना और लोगों द्वारा सीधे ग्राम प्रधानों और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव करना शामिल है। वर्तमान में महाराष्ट्र एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर एंड मार्केटिंग एक्ट 1963 में ग्राम पंचायत सदस्यों, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों को APMC के सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार है। 2017 में BJP की सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए किसानों को APMC के सदस्यों और चेयरपर्सन का चुनाव करने का अधिकार दिया था, लेकिन 2020 में उद्धव सरकार ने इस बदलाव को रद्द कर दिया था। सरकार का कहना था कि APMC पर इतना फंड नहीं है कि इस तरह का चुनाव कराया जा सके। एकनाथ शिंदे ने कहा, हमने ऐसे किसानों के वोट देने के अधिकार को फिर से बहाल किया है जिन पर 0.25 एकड़ से ज्यादा जमीन है और उन्होंने अपनी फसल को पिछले 5 साल में 3 बार APMC मंडियों में बेचा है। माना जा रहा है कि ये बदलाव कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्थानीय निकाय में NCP और कांग्रेस की पकड़ को कमजोर करने के लिए उठाया गया है।